गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर एट लेक्चर एंड नाउ इन आवर लास्ट लेक्चर वी हैव डन नाउन्स, टाइप्स ऑफ नाउन्स। यू नो वेरी वेल फाइव टाइप्स ऑफ नाउन्स। फर्स्ट वन कॉमन, देन प्रॉपर, कलेक्टिव, मटेरियल एंड लास्ट वन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दे ऑल आर कॉल्ड नाउन्स। And we done, we try to understand, and maybe I hope we all understood very well about nouns. Now our second part, second topic, pronoun. Pronoun. Noun we done. Now pronoun. What is pronoun? Legs, seat. Pronouns pronouns the words that we use in place of noun. तो नाउन की जगह पे हम जो वर्ड यूज करते हैं उसको प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं तो इजीली पता चल जाएगा आपको। सीधे एग्जाम्पल, रमेश इज ए डॉक्टर, रमेश इज अ डॉक्टर, डैश इज अ काइंड। अब वो रमेश की बात हो रही है। सी यहां पर हम वी आर टॉकिंग अबाउट रमेश, तो हियर ऑल्सो वी पुट इट रमेश, क्योंकि रमेश की बात हो रही है। रमेश इज अ काइंड, यस, बट हम पूरा अबाउट द रमेश, एक ही पैराग्राफ रमेश के बारे में पांच लाइन लिखते हैं। तो अगर आप रमेश ही लिखोगे तो रमेश 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 रमेश, उसमें क्या होगा? तो 100 टाइम्स रमेश ही आएगा, आएगा ना। तो उसका ऑप्शनल हमें मिला है, सी दैट वी हैव ऑप्शन ऑफ दिस, इन प्लेस ऑफ रमेश वी पुट इट ही। व्हाट ही इज द टाइप, यू अंडरस्टैंड वेरी इजीली। तो हमारा जो डेफिनेशन थी वो है कि हम जो नाउन की जगह पे जो वर्ड यूज करते हैं, समझो हमारी जो यहां पे डेफिनेशन है वो इन प्लेस ऑफ नाउन वर्ड्स प्रोनाउन द वर्ड्स, जो वर्ड्स हम यूज करते हैं उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। तो ये रमेश की जगह पे हमने ही यूज किया। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब ऐसे प्रोनाउंस देखते हैं कि कौन कौन से प्रोनाउंस हमारे पास है। लेट अस सी, then we use the I. I am a teacher, I am teaching English, I live in Dhanera, I studied in Ahmedabad, this, this and this, this, this. So I use for give our information. Let us see the example. So ki I live in Dhanera. ओके, फर्स्ट वन इज डन। सेकेंड वी, हाउ वी यूज द वी, तो वी यूज, वी इज यूज फॉर
प्लूरल, यहां पे मैं अकेला ही हूं। अब एक आध दो टीचर और आ जाते हैं तो वी आर टीचर्स, वी आर टीचिंग इन उपवेद स्कूल सो एंड सो, देन द प्लूरल के लिए ये आई का प्लूरल फॉर्म है, वी आर टीचर्स। ओके, देन यू, यू मीन्स आपकी बात, आप मुझे देख रहे हो, यू दोनों के लिए यूज हो सकता है, समझना, यू सिंगुलर के लिए भी यूज होता है, प्लूरल के भी लिए यूज होता है। सी, यू आर टीचर, ये सिंगुलर, एंड यू आर स्टूडेंट की बात कर रहे हैं तो एक ही स्टूडेंट है तो भी हम उसको स्टूडेंट कहेंगे, एक से ज्यादा, मोर देन वन, देन यू आर स्टूडेंट, समझना। ओके, इट्स यू सिंगुलर और प्लूरल बोथ वेज में यूज होता है। He used for male, किसके लिए यूज होता है भाई, मेल के लिए, मेल के लिए यूज होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, राम इज अ बॉय, He is a clever. तो राम की बात हो रही है, नाउन हियर इज राम, इसकी जगह पे प्रोनाउन यूज करना है तो मेल के लिए हम यूज क्या करेंगे, ही, तो ही इज अ क्लेवर, अंडरस्टूड। सी, सी किस पे यूज होता है, तो सी इज यूजिंग फॉर फीमेल, यहां पर ही ले लेते हैं, सविता इज अ गर्ल, she is a student. Okay, Savita is a girl, she is a student. यहां पर बात सविता की है तो फीमेल के लिए हम यूज करेंगे सी, सी इज अ स्टूडेंट। ओके, ये प्रोनाउन हुआ, नाउन की जगह पे हमने यूज कर दिया। इट, इट कहां पर यूज होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एनिमल, बर्ड और नॉन लिविंग, ये तीनों चीजों में हम क्या यूज करेंगे, इट, बट सिंगुलर, ये थ्री जो हमने लिखा है, मेल, फीमेल और एनिमल, बट वो यूज होगा ओनली सिंगुलर के लिए, प्लूरल के लिए होगा नहीं, ये ध्यान में रखना। अब इट वाला है, इट में एग्जाम्पल लेते हैं, काउ इज एन एनिमल, इट हैज फोर लेग्स, इट हैज फोर लेग्स, देन काउ, हियर इज द नाउन, उसकी जगह पे हम यहां क्या यूज कर सकते हैं, इट, और दे, लास्ट वन, दे, दे किसका, तो दे ही शी एंड इट, ये तीनों का प्लूरल है, मतलब दे कब यूज होगा, तो अमन एंड आर्यन, ये दो नाम हुए मेल के पर प्लूरल है तो हम यूज करेंगे दे, गीता एंड सीता तो हम यूज करेंगे दे, काउज प्लूरल फॉर्म, वी यूज दे, अंडरस्टूड।
तो ये था हमारा प्रोनाउन सिंपल, आई वी यू ही शी इट दे। किस तरह से किसको यूज करते हैं? आई फॉर आवर सेल्फ मतलब हमारी इंफॉर्मेशन के लिए, वी हम दो चार मिलके मतलब प्लूलर के लिए, आई का प्लूलर वी है, आई का बहुवचन मतलब कि आई का प्लूलर वी है, यू आपके लिए मतलब हम सामने वाले को कह रहे हैं कुछ, हमारे इनफ्रंट जो है वो, आप मेरे को देख रहे हो तो यू आर अ स्टूडेंट, यू आर अ गर्ल, यू आर अ बॉय, अगर प्लूलर के लिए भी यू यूज होता है, यू आर अ स्टूडेंट, यू आर स्टूडेंट्स, यू आर डॉक्टर्स, यू आर गर्ल्स, यू आर बॉयज, ही फॉर मेल ओनली सिंगुलर, ही इज अ बॉय, सी फीमेल सिंगुलर, सी इज अ गर्ल, इट एनिमल बर्ड और नॉन, इट इज पेन, इट इज पेन बट सिंगुलर के लिए, अगर ये दो हो गया तो इट नहीं होगा, तो होगा दे आर पेन्स, दे आर पेन्स फॉर एग्जाम्पल ओनली, एंड दे अभी मैंने जो समझाया वही ही सी इट का प्लूलर फॉर्म है, अमन एंड आर्यन देन दे, गीता एंड सीता दे, काउस दे, आई होप यू अंडरस्टैंड, राइट डाउन फास्ट फटाफट लिख लो। ये पूरा आपने आई होप यू डन वेरी वेल। Now, अब ये प्रोनाउन जो है उसमें हम प्रोनाउन का ही फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन देखते हैं। तो फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन रिलेटेड ही है, आपको ऑलरेडी पता ही है वो, तो उसको हम देखते हैं किस तरह से करना है। अब समझना बराबर है, मेरी बात कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग विथ यू, समझना बराबर, आई एम टॉकिंग विथ यू, तो मैं बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग विथ यू, मैं बात कर रहा हूं, आप सुन रहे हो, मैं बात कर रहा हूं, मेरे से बात हो रही है, आई एम टॉकिंग विथ यू, तो मैं आई फर्स्ट पर्सन, आप सब सुन रहे हो सेकंड पर्सन, दो सीट होगी फर्स्ट सेकंड, वो परफेक्ट हो गया, आपको समझ में आ गया, मेरे से बात हो रही है तो आई मतलब फर्स्ट पर्सन, आप सब सुन रहे हो यू सेकंड पर्सन। अब थर्ड पर्सन की बात करते, अगर कोई लड़का है मतलब मेल है तो ही मतलब मैं राम की बात कर रहा हूं तो राम थर्ड पर्सन हुआ, मैं बात कर रहा हूं तो मैं आई फर्स्ट पर्सन, आप सुन रहे हो सेकंड पर्सन, मैं राम की बात कर रहा हूं तो राम इज थर्ड पर्सन, तो राम का प्रोनाउन ही, मैं सीता की बात कर रहा हूं तो सीता का प्रोनाउन सी, सी भी थर्ड पर्सन, मैं काउ की बात कर रहा हूं तो काउ इट थर्ड पर्सन, समझ में आ गया, मतलब फर्स्ट पर्सन आई सेकंड पर्सन यू, देयर विल बी नो चेंजेस, दिमाग में फिट कर लो, फर्स्ट आई सेकंड यू, फर्स्ट आई सेकंड यू, दे आर रिजर्व्ड फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड पर्सन में चेंज होता है He, she, it. अगर मेल है तो ही, फीमेल है तो सी, न्यूटर है तो इट, इज इट क्लियर? एक चार्ट वाइज देख लेते हैं उसको,
fluid. First person, first person, second person, and last one, third person. बराबर समझना है. हमारे three persons आते हैं, first person, second person एंड थर्ड पर्सन. उसके अंदर भी सिंगुलर एंड प्लूरल. अब देखिए तो सिंगुलर में मैंने अभी आपको कहा आई एम स्पीकिंग आई. सेकंड पर्सन आप मतलब यू. सपोज भी थर्ड पर्सन में राम है तो ही हो सकता है. इफ पॉसिबल तो सी भी हो सकता है, इट भी हो सकता है. ये हुआ सिंगुलर में. मैं बात कर रहा हूं आई रिजर्व है. यू आप सब सेकंड है. यू ओनली एक की बात कर रहा हूं. ही शी राम है तो ही मतलब थर्ड पर्सन में. थर्ड पर्सन में ये पॉसिबिलिटीज है कि ही भी हो सकता है, सी भी हो सकता है और इट भी हो सकता है. इट्स डिपेंड ऑन द टॉकिंग विद द पर्सन. मैं जिसकी बात कर रहा हूं अगर कोई मेल की बात कर रहा हूं सिंगुलर तो ही. अगर फीमेल की बात कर रहा हूं सिंगुलर तो सी. अगर कोई न्यूट्रल की बात कर रहा हूं तो इट. ओके अब बात रही प्लूरल की तो सिंगुलर फर्स्ट पर्सन आई है. अब यहां पर मैं अकेला हूं. मैथ्स टीचर, साइंस टीचर, दो टीचर और आ गए तो कितने टीचर हो गए? थ्री टीचर्स. और वो तीनों के तीनों हम साथ में कुछ डिस्कशन कर रहे हैं आपके साथ. तो आप एक नहीं हो, आप सारी क्लास हो गए समझना बराबर. यहां पर वी ऑल आर टीचर्स. मैथ, साइंस, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, ऑल टीचर्स आर देयर इन आवर क्लास ऑल्सो. क्लास 30 स्टूडेंट्स आर देयर देन ऑल आर. तो उसमें क्या होगा? सी. तो आई का फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी होगा. वी आर मतलब हम टीचर्स फर्स्ट पर्सन. यू का प्लूरल यू ही होगा जो हमने अभी प्रोनाउन में भी सीख लिया है कि यू आर स्टूडेंट एंड यू आर स्टूडेंट्स. दोनों के दोनों पर पर्सन वही सेम रहेगा. एंड ही शी इट तीनों का प्लूरल हम दे यूज करेंगे. आई होप अंडरस्टूड. तो अब आपको समझ में आ गया है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई प्लूरल वी. सेकेंड पर्सन सिंगुलर यू प्लूरल यू ऑल्सो. थर्ड पर्सन इफ मेल गिवन देन ही. फीमेल सी. न्यूटर इट. इफ प्लूरल देन दे. दैट डजंट बार देट ही और सी और इट. आई होप यू अंडरस्टैंड. राइट इट फास्ट. डोंट वेस्ट योर टाइम. डू इट फास्ट. Now we see some examples of plurals. Sorry, pronoun.
Third, see, let us see the example. Ajay is a boy, Dash is a clever. First we find the noun. Here is the Ajay, boy also noun, but first noun. Sanjana, cow, Ajay and Karan, Sanjana and Mahak, elephants, school, Upved. Mr. Sharma. They all are noun. Now we have to write its that's pronoun. Understood? First Ajay. So Ajay ka pronoun hum kya karenge? You know very well. He is clever. So is tarah se Sanjana hai to uska pronoun, cow ka pronoun, you know very well. Ye pura ka pura homework mein likhna hai. Tomorrow. अब इसके जो है ये हमने जो अभी जो हम ये प्रोनाउन सीखे ही सपोज दे आई वी यू ही शी इट दे तो ये जो प्रोनाउन है उसको हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं. क्या कहते हैं? नॉमिनेटिव केस. थ्री टाइप्स ऑफ केस आर देयर इन प्रोनाउन्स. ये नॉमिनेटिव केस है. नॉमिनेटिव केस हम उसको गुजराती या हिंदी में कहते हैं कर्ता विभक्ति. क्या कहते हैं? कर्ता विभक्ति. अब नॉमिनेटिव केस के बाद हमारे पास एक और केस है ऑब्जेक्टिव के ऑब्जेक्टिव केस एंड लास्ट वन पजेसिव केस. तो कल टुमोरो वी विल डिस्कस अबाउट थ्री केसेस. नॉमिनेटिव केस जो हम पढ़ चुके हैं पर उसका यूज कैसे होता है वो ऑब्जेक्टिव केस एंड पजेसिव केस. ये थ्री केसेस वी विल डिस्कस टुमोरो. आई होप ये पूरा का पूरा पर आना चाहिए. कंडीशन ये है जितना भी प्रोनाउन है उसमें हम आज जो जो डिस्कस की है वो कंप्लीट आपको रेडी होना चाहिए. देन टुमोरो यू कैन अंडरस्टैंड अदरवाइज नॉट. दिस इज द कंडीशन. आई होप यू अंडरस्टैंड. नाउ टुडे इतना ही बराबर है. कल और देखेंगे जो हमने बात की नॉमिनेटिव केस ऑब्जेक्टिव केस एंड पजेसिव केस. थैंक यू. होमवर्क कर लेना. हैव अ नाइस डे.